Namaskar. We are talking about the chapter Understanding Partition and the topic is Toward Partition. यानी कि अब partition होना था, अब partition की बातें शुरू हो गई. जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का लास्ट अटेम्प्ट था इंडिया को, इंडिया की यूनिटी को प्रिजर्व करने का, उसकी पार्टीशन को अवॉइड करने का, जो सबसे लास्ट अटेम्प्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया वो था कैबिनेट मिशन प्लान. कैबिनेट मिशन प्लान में पूरे देश को दो ग्रुपों में बांटा गया था, यानी कि तीन ग्रुप होने थे, जिसमें एक हिंदू ग्रुप था और दूसरा मुस्लिम ग्रुप थे. इनके अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन इनको करने थे और एक सेंटर होना था जिसके पास पूरे नेशन वाले मसले होते, बातें होती. लेकिन लीग ने और कांग्रेस ने दोनों अपने अपने इंटरप्रिटेशन के कारण, अपने अपने डिमांड के कारण इसको जो है उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया. और अब ये मुस्लिम लीग ने और जिन्ना ने ये निश्चित कर लिया कि हमको अब किसी तरीके से ऑटोनॉमी से नहीं चलेगी काम, यानी कि अब इंडिया को डिवाइड होना ही था. अब उनको पाकिस्तान का कोई ऑटोनॉमस एरिया नहीं चाहिए था, जैसा कि अभी तक चल रहा था कि वो एक ऑटोनॉमी चाहते थे पाकिस्तान के रूप में. अब उनकी डिमांड हो गई कि हमको हमारा देश दे दीजिए, हमको पाकिस्तान दे दीजिए जो कि फ्री स्टेट होगा. आफ्टर विथड्राइंग इट्स सपोर्ट टू द कैबिनेट मिशन प्लान, लीग डिसाइडेड डायरेक्ट एक्शन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड. यानी कि अब कार्रवाई करना है, अब हमको पाकिस्तान चाहिए, अब सीधी सी लड़ाई हमारी होगी, अब सीधी लड़ाई है कि हमको पाकिस्तान आप दे दीजिए. और इसीलिए जन्ना ने 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी लड़ाई का दिन उसको घोषित कर दिया. और इस दिन पूरे कलकत्ता में कमजल राइट हुए, बहुत सारे लोग मारे गए. और इसके बाद मार्च आते आते, मार्च 47 आते आते ये राइट पूरे कंट्री में फैल गया, मूलतः पूरे नॉर्थ इंडिया में. इट वॉज इन मार्च 47 द कांग्रेस आल्सो हाई कमांड वोटेड फॉर डिवाइडिंग पंजाब इंटू टू हाफ्स. यानी कि अब कांग्रेस ने भी मान लिया कि हमारे पास पाकिस्तान, अब हमारे पास देश के डिवीजन के अलावा कोई रास्ता नहीं है. और उन्होंने पंजाब को हिंदू मेजॉरिटी, हिंदू सिख मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके के रूप में बांट दिया. और सेम फार्मूला को उन्होंने अप्लाई किया विथ मुस्लिम मेजॉरिटी. एंड इट आस्क्ड फॉर द एप्लीकेशन टू द सेम प्रिंसिपल इन बंगाल. और कहा कि ये सेम चीजें बंगाल में भी लागू होती हैं. By this time, given the numbers came, many Sikh leader and the congressmen in Punjab were convinced. वो convinced थे, Hindu leader और Sikh leader जो पंजाब के थे, वो पूरी तरीके से convinced थे कि that partition was necessary evil, कि partition होना ही होना है, चाहे यह बुराई ही सही लेकिन होना है. Otherwise, they would be swamped by Muslim majority and Muslim leaders would dictate him. अगर वो ऐसा पार्टीशन नहीं होता है तो पंजाब में मुसलमानों की डिक्टेटरशिप हो जाएगी, मुसलमान की मेजॉरिटी है उनकी डिक्टेटरशिप हो जाएगी और हिंदू और सिखों को उनके डिक्टेटरशिप में वहां पर रहना होगा. और सेम बात जो बंगाल का भद्र लोग था, बंगाल का, वो भी यही मानता था कि अगर डिवीजन नहीं होता है तो वो पॉलिटिकली जो होंगे वो मुसलमानों के गुलाम हो जाएंगे, परमानेंट टूटलेस ऑफ मुस्लिम्स, यानी कि हमेशा के लिए मुसलमानों के अंदर में आ जाएंगे. और चूंकि वो माइनॉरिटी में है और इसलिए सिंस दे वेयर इन न्यूमेरिकली माइनॉरिटी दे फेल्ट दैट ओनली ए डिवीजन ऑफ द प्रोविंसेस कुड इंश्योर देयर पॉलिटिकल डोमिनेंस. यानी कि जैसे कि पंजाब के लोग सोचते थे हिंदू सिख, उसी तरीके से बंगाल के भद्र लोग भी सोचते थे कि केवल डिवीजन ही उनको वहां पर पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल डोमिनेंस दे सकता है, क्योंकि अगर डिवीजन नहीं होगा तो जिस तरीके से पंजाब में मुसलमान हावी हैं उसी तरीके से बंगाल में भी मुसलमान हावी हो जाएंगे और उनके हाथ में सत्ता नहीं रह जाएगी. और अंतिम रूप से कह सकते हैं कि पंजाब और बंगाल दोनों ही एरिया ऐसे थे जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस बात पर एग्री थे कि डिवीजन हो जाना चाहिए.
और इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।